जी जोन मेरठ प्रशांत कुमार जी हमारे बीच में आ चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं। प्रशांत जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस कार्यक्रम में, मेरठ अधिवेशन में। जी धन्यवाद। प्रशांत जी पहला ही सवाल मैं करूंगा कि जब आपको यहां पर नियुक्त किया गया, इस जोन की जिम्मेदारी दी गई, बड़ी क्रांतिकारी ये धरती और ये इलाका, लेकिन दशकों की अगर हम बात कर लें, पिछले कई सालों की बात कर लें, पहचान बदलती चली गई थी यहाँ की, और इसी वजह से शायद आपको चुना गया, यहाँ पर भेजा गया उस चुनौती से निपटने के लिए। हमारा ये जो सेगमेंट है, जो सेशन है, उसमें पश्चिम में प्रशासन की चुनौती, या मैं कहूँ कि पुलिस के लिए चुनौती, यही एक टॉपिक भी है। पुलिस महकमा अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, कहने में कोई शक नहीं, लेकिन आपने कैसे इस चुनौती को स्वीकार किया और खाका तैयार किया जिससे आज आपकी पहचान सिंघम की बन गई। सर प्रथम मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जो सरकार है उसकी जो नीतियाँ हैं वो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, और अपराधियों से निपटने के लिए पूर्ण आज़ादी है। जो भी विधिक प्रक्रियाएं हैं, न्यायिक तरीके हैं, छूट है। और वेस्टर्न यूपी एक हिस्टोरिकली चैलेंजिंग क्षेत्र है, और पहले यहाँ 9 जिले थे, अब एक पुलिस कमिश्नरी भी नोएडा में लगभग एक वीक पहले बनाई गई है, वो भी मेरठ जोन का ही पार्ट था। तो इन 9 जिलों में अपराध और अपराधियों के पे लगाम लगाना और साथ ही साथ कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए थी जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि पिछले 2.5 साल में एक भी सांप्रदायिक घटना, जो आईबी की कैटेगरी होती है, भारत सरकार की तरफ से जो कैटेगराइजेशन होते हैं जी, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक, मतलब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी सांप्रदायिक घटना नहीं हुई। जबकि आपने देखा होगा यहाँ लगातार पर्व त्यौहार, कांवड़ बुलंदशहर में एक इज्तिमा भी हुआ जिसमें करीब 10 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और वहाँ उस दिन एक बड़ी घटना भी हो गई, लेकिन उसको भी प्रशासन ने मिलके कानून व्यवस्था की स्थिति या सांप्रदायिक रूप नहीं देने दिया। तो एक जो टीम वर्क है और योग्यता के अनुसार जो नियुक्तियां की गई हैं जी, उसका बहुत सफल परिणाम आए हैं, और लगातार टीम काम कर रही है, और अपराध के दृष्टिकोण से भी लगातार चीज़ें गिरावट की तरफ हैं। अपहरण उद्योग ऑलमोस्ट ख़त्म है, और जो ठेकेदारी वगैरह में लोग माफियागिरी कर रहे थे उन सभी पे गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और सैकड़ों की संख्या में लोग जेल भेजे गए हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण माफिया हैं आज जेल में हैं जी। और जो लोग लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं या कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करना चाहते हैं, उनसे पुलिस ने आमने सामने भी हमारी मुठभेड़ें हुई हैं, और हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, और उसके रिएक्शन में हमने भी कठोर कार्रवाई करते हुए काफ़ी बदमाशों को और कुख्यात माफियाओं को ढेर किया है। प्रशांत जी, मैंने जैसा जिक्र किया, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, नहीं लगता होगा, सिंघम से आपकी तुलना की जाने लगी है, तमाम जगहों पर इसकी चर्चा होती है, आम लोगों में भी होती है, पर पिक्चर में जब हम सिंघम को देखते हैं या एक माइंडसेट हमारा होता है, तो वहाँ पर ये होता है कि सिंघम मुक्के बरसाएंगे, लाठी बरसाएंगे, आप हेलीकॉप्टर पर बैठकर फूल बरसाते नजर आते हैं। देखिए, कोई जब व्यवस्था अच्छी होती है तो इंडिविजुअल का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता जी, और हमारे बाद भी लोग आएंगे, हमारे पहले भी लोग रहे थे, और अच्छी तरीके से इस शासन में ही
लोगों ने कार्य किया है। ये जरूर है कि जो लंबे समय तक रहने के बाद से एक टीम वर्क से जब रिजल्ट आने लगते हैं तो लोग अपने अपने तरीके से कुछ नाम देते हैं, लेकिन मैं तो सभी सफलता का श्रेय अपने जो हमारी कांस्टेबलरी है जो इतनी कठिन परिस्थितियों में काम करती है और आमने सामने बदमाशों से मुठभेड़ करती है जी, और उसमें उनको घायल भी होना पड़ता है। और मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ की जनता से भी बहुत अपार सहयोग, यहाँ के प्रेस से भी बहुत अपार सहयोग रहा है, चूँकि ये सभी लोग बदमाशों से परेशान थे जी। यहाँ के स्कूल, यहाँ के कॉलेजेस, यहाँ के हॉस्पिटल्स, सभी जगह बदमाशों से परेशान। हाँ, तो उस पर लगातार कार्य किया गया और अगर आप एक सर्वे कर लें तो देखेंगे कि सभी लोगों में एक हर्ष की लहर है कि व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से काम कर रही हैं। जब मैंने फूल बरसाने का जिक्र किया तो बहुत सारे लोग होंगे शायद वो कनेक्ट नहीं कर पाए, आप कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं तो कुछ राजनीति करने वाले लोग जो कि राजनीतिक पार्टियों से होते हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि एक अधिकारी ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले ही आपने जिक्र किया कि ना कोई सांप्रदायिक दंगा या बुलंदशहर में 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए इस्तेमा में, वहां पर भी कोई घटना नहीं और तमाम ऐसी चीजें, तो ये दोनों चीजों का तालमेल एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आपने कैसे बिठाया ताकि अगर कांवड़ियों पर फूल बरसाएं तो भी आपकी जवाबदेही बिल्कुल 100% रहे और इस्तेमा हो जाए, 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां पर भी कोई घटना ना हो, ये तालमेल कैसे बिठाया? पहली बार हो जी, केवल कांवड़ के दौरान ही नहीं, सभी त्यौहार और सभी धर्मों के त्यौहार शासन के निर्देश थे कि जो परंपरागत तरीके से मनाया जाए उसमें किसी तरह की कोई विघ्न बाधा न पहुंचे, और ऐसे शासन के निर्देश थे कि पुष्प वर्षा भी की जाए। कोई हम ऐसा नहीं था कि हमने अपने लेवल से हेलीकॉप्टर हायर किया, हमने अपने लेवल से कुछ चीज़ें शुरू की, बिल्कुल। और उसी तरीके से जब ईदगाह में नमाज होती है वहाँ भी जाके हम सभी भाइयों से गले मिलते हैं और उनके साथ मिलके सुख दुख में रहते हैं। हमारे जब क्रिसमस के टाइम में भी हम लोग चर्चों में जाके फादर से और वहाँ जो लोग होते हैं उनसे मिलते हैं। अभी आपने देखा होगा जो CA के बारे में बहुत जगह चीज़ें हुई, और हमने लगभग हजारों मीटिंगें की हमारे लोकल अधिकारियों ने और लगातार लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की और बाय एंड लार्ज सब जगह चीज़ें शांत रही। कुछ लोगों ने मेरठ में और मुजफ्फरनगर में हिंसा का भी सहारा लिया, और ये सब ऐसी जगहें हैं जहां महीने पूर्व में महीने महीने दिन तक कर्फ्यू लगे, बिल्कुल, लेकिन पुलिस ने तात्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए 3-4 घंटे में ही चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद से अगर पुलिस के पास ऑप्शन क्या था, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर भीड़ आगजनी कर रही है जी तो पुलिस के पास ऑप्शन क्या है? क्या पुलिस मूक दर्शक बनी रहे? और फिर उसके बाद से ये बात हो कि सब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लोग दंगाई आग लगाते रहे और राष्ट्रीय जो संपत्ति उसको क्षति पहुंचाते रहे, दोहरा दबाव रहता है। किसी भी दंगाइयों ने अपने घर में आग नहीं लगाई, वो हमेशा पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरी तरीके से प्रवृत्त अधिकार हैं जिसके तहत हमने हिंसा रोकी जी, और उसके बाद से भी लोगों ने पूरी तरीके से सभी जगह दंगाइयों के फोटोग्राफ डिस्प्ले किए, बिल्कुल। और मुजफ्फरनगर में और मेरठ में दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बेगुनाही के सबूत दिए और हमने उनको छोड़ा जी, उनको हमने जेल से भी रिहा किया। तो ये दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष है और हम किसी को भी गलत तरीके से नहीं फंसाएंगे, लेकिन जिन्होंने हिंसा की है, उनको उपद्रव मचाने की कोशिश की है, उनको हम छोड़ेंगे भी। और इसका परिणाम भी निकल गया, आपने कहा कि पूर्व में ऐसा होता था कि महीनों महीने दंगे, इस बार कुछ घटनाएं हुई, कुछ साजिशें भी हुई और आप लोगों ने चंद दिनों में उसका खुलासा भी कर दिया कि इन संगठनों का हाथ था, कौन लोग थे, उनकी गिरफ्तारी भी हो गई और तरीके भी आप लोगों ने बहुत खुलकर अपनाए कि लोगों के बीच में ही पोस्टर लगा दो, लोग खुद बताएंगे कि कौन कहां पर, अगर उनको लगता है कि हाँ वाकई ये गलत है। आपने इसके पहले कहा था कि खुली आज़ादी इस सरकार में मिली कई बार और खासतौर से उत्तर प्रदेश में हमेशा से ये विषय रहा कि राजनीतिक दलों का संरक्षण या फिर उनका जरूरत से ज़्यादा दबाव हस्तक्षेप
पुलिस के अधिकारियों को, कर्मियों को अच्छे काम करने से रोक देता है, वो कुंठित भी हो जाते हैं या अपने आप को किनारे कर लेते हैं। लेकिन खुली आजादी के बीच में कई बार पुलिस महकमे पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। इन दोनों को आप कैसे देखते हैं? एक तो योगी सरकार की खुली आजादी जिसका परिणाम अच्छा भी निकल रहा है और अच्छा निकले उम्मीद है, लेकिन कई बार उसका दुरुपयोग। नहीं, ये बहुत सारे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आजादी का मतलब कि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं जी उनका सम्मान नहीं है। बिल्कुल, ऐसी मासिक गोष्ठियां भी शासन की तरफ से निर्धारित हैं जो जिला पुलिस अधीक्षक या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट स्ट्रक्चर तरीके से जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं जी, और हम लोग भी लगातार फ़ोन पे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो जो हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी है। तो जब उनकी भी फीडबैक आती है, हर एक चीज़ को, कोई कंस्ट्रक्टिव सजेशन को भी इंटरफेरेंस नहीं मानना चाहिए जी, और एब्सोल्यूट फ्रीडम अधिकारियों को भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, एक डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंसेज हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। मेरा फ्रीडम का मतलब ये था कि रोज रोज की कार्य पद्धति में कोई इंटरफेरेंस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर जैसे कि कोई हमारा सबऑर्डिनेट है, कटिंग एज लेवल पे वो दुर्व्यवहार कर रहा है, गलत कार्यों में लिप्त है, तो उसकी सूचना अगर हमारे जनप्रतिनिधि देते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उस चीज़ों को सुनना मेरी भी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छा सामंजस्य है, हेल्दी रिलेशनशिप है, और जो जनप्रतिनिधि हैं उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। सभी जनप्रतिनिधि हम लोगों के पास आते हैं और हमसे वार्ता करते हैं और उस बेसिस पे हम लोग कार्रवाई। जब से आपको जिम्मेदारी जोन की दी गई, और आपने अभी भी कहा कि उसके बाद कई मुठभेड़ें हुई, आमतौर पर इनकाउंटर शब्द यूज हो जाता है, इनकाउंटर तो अलग ही चीज़ हो गई, मुठभेड़ कई बार दूसरे तरीके की भी होती हैं। बीच में एक मुठभेड़ का वीडियो आया, हमारे यहाँ भी चला, तमाम मीडिया चैनलों में चला, सोशल मीडिया पर चला, ठाए ठाए वाला मुठभेड़, तो बड़ा मजाक भी उसका उड़ा। हमने भी कई पूर्व अधिकारियों से बात की कि क्या भाई ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो पुलिस अपनी लोकेशन खुद ही बता रही है ठाए ठाए मुंह से करके। लेकिन आप लोग जो मुठभेड़ करते हैं, बड़ा गोपनीय है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप अगर उसको न खोलना चाहें तो न बोलें, लेकिन जितना बता सकते हैं उतना, कि आप लोग रणनीति कैसे बना रहे हैं उस बेल्ट में, उस क्षेत्र में, उस जोन में जहाँ पर इतनी बड़ी चुनौती थी, संगठित अपराध था और तमाम तरह के और भी अपराधी उत्पन्न हो रहे थे जो कि लगातार पुलिस को सीधी चुनौती दे रहे थे। मैं सर्वप्रथम स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मुठभेड़ें कोई पहले से पूर्व नियोजित नहीं रहती हैं जी। ऐसे कुछ स्पॉट्स होते हैं जहां घटनाएं बार बार होती हैं, या वहां से अपराधी अपराध करके भागने के नियत से निकलते हैं, तो उन सब चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन हम लोग पूर्व अपराधों की प्लॉटिंग करके और एनालिसिस करके निकालते हैं और वहाँ चेकिंग कराते हैं जी। चेकिंग के दौरान अगर कोई रुकता नहीं है और पुलिस पर फायर करता है और भागता है तो पुलिस रिटेलिएट करती है। बिल्कुल, उस दौरान अगर कोई बात चांस इनकाउंटर हो जाए तो ठीक है, वरना ये कोई नियोजित तरीके से करने का कोई प्राविधान भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है रियल लाइफ में। इक्का दुक्का केसेस ज़रूर होते होंगे, लेकिन हर जगह ऐसा, सभी चीज़ें मौके पर जो अधिकारी होते हैं और किस तरह से चीज़ें परिस्थितियाँ बदलती हैं ये वही डिसाइड करते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी रणनीति पहले परिस्थितियाँ ही, अगर ऐसा कुछ हुआ तो परिस्थिति उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है। आपने कहा कि कुछ चीज़ें हुई, तो अगर मान लीजिए पुलिस ने जवाब दिया तो उसका अब कितना असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले पिछले कुछ सालों में, कहने में कोई संकोच नहीं है, हो सकता है राजनीतिक दलों को अच्छी ना लगे, कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का शासन और मायावती का शासन कानून व्यवस्था के लिए माना जाता था, चाहे जैसे उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह ने एसओजी का गठन किया, तमाम तरह की चीजें, लेकिन योगी सरकार में जब इन चीजों पर काम हुआ, वो दबाव जो था या वो जो न करने कुछ देने की आजादी थी, वो जब आजादी मिली तो उसका परिणाम भी मिला, संगठित अपराध के नेक्सस को कैसे तोड़ा है? जितने भी मुख्य अपराध हैं पूरे उत्तर प्रदेश में भी और इस पर्टिकुलर जोन में भी अप्रत्याशित कमी आई, जैसे हत्या के अभियोग हैं, हत्या के अभियोग अगर कोई चाह के भी छिपा नहीं सकता, वो एक बैरोमीटर होता है कानून व्यवस्था नापने का, तो हत्या के अभियोगों में भी कमी आई।
रेप के अभियोगों में भी कमी आई, डकैती के अभियोगों में भी कमी आई, फिरौती हेतु अपहरण के केसेस ही नहीं हुए जी। तो ये जबकि कुछ सालों तक फिरौती हेतु अपहरण यहाँ एक कुटीर उद्योग की तरह पनप गया था। जब हम लोग भी पहले यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे जी, तो उस समय इसका बहुत चलन था। लेकिन जो कंसर्टेड एफर्ट्स पुलिस ने किए और पूरी तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करके अपराधियों पर कार्रवाई की है, तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव हुए, किसी भी तरीके की कोई घटना नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ जैसा इतना बड़ा आयोजन जहां इतने करोड़ों की संख्या में लोग देश विदेश से आए, और उस समय कुंभ के अलावा 30% स्ट्रेंथ पे अन्य जनपदों ने कार्य किया, क्योंकि हमारे ही पुलिसकर्मी वहां ड्यूटी देने गए थे जी। तो जो वहां ड्यूटी थे वो भी प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन कम जनशक्ति पे काम करके रिजल्ट देना, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, जिसको पुलिस ने सहर्ष स्वीकार किया और उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत ही अच्छी तरीके से कुंभ का सफल आयोजन किया, और इसके लिए इस भूरी भूरी प्रशंसा सभी जगह पूरे विश्व में की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपने कुंभ का जिक्र कर दिया, तो उस वक्त तस्वीर ऐसी भी आई थी कि कुंभ की वो रंग बिरंगी जो छटा थी, आप लोगों के अथक प्रयास से वो पृथ्वी के उस जगह पर अपने आप में उभर कर निकल आई थी, उसका दृश्य सेटेलाइट से भी दिखाई दे रहा था अपने आप। अब यहां पर सवाल ये है जो आप कह रहे थे कि सिस्टम में बदलाव के लिए आजादी जरूरी है। बहुत छोटा सा एक सवाल लूंगा, उसके बाद में आगे बढ़ूंगा कि आजादी क्यों छिन गई थी पुलिस से, वो जो कि उनका अधिकार था, उतना तो उनको पुलिस मैनुअल राइट देता है, वो आजादी क्यों लगा कि उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर, इस पूरे बेल्ट में, पूरे प्रदेश में हम कहें, क्यों छिन गई थी, क्या वजह थी इसकी? ये इस पूरे प्रश्न का जवाब देने के लिए तो मैं सक्षम नहीं हूं। ये जरूर है कि हम लोग लकी हैं जी, कि हमारे लीडरशिप और पुलिस महानिदेशक या जो गृह विभाग के जो मुखिया हैं, उन लोगों ने पुलिस को पे ट्रस्ट किया और हम पे, हम लोग को उस तरह की आज़ादियाँ दी, और डे टू डे कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि कोई घटना होती है तो उसके दोनों पहलू होते हैं जी, जो अक्यूज होता है वो भी अपनी बात सभी जगह पे कहता है, लेकिन जब चीज़ें सक्षम लेवल पे ही डील होती हैं तो उसके साथ न्याय भी होता है। तो उनका विश्वास है पुलिस विभाग पे, और पुलिस विभाग ने कभी भी जो राज्य सरकार को वर्तमान 2-2.5 सालों में कभी लेट डाउन होने नहीं दिया, और हमेशा हमारी जबकि वैकेंसी भी बहुत है ओवरऑल, उसके बावजूद हम लोगों ने रिजल्ट देने का कोशिश किया, और जिसकी बुरी बुरी प्रशंसा एटलीस्ट जहां हम हैं उस क्षेत्र में दिख भी रही है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगा, लेकिन उसमें दो सवाल है। आजकल डबल सी बहुत चर्चा में, पहला सी कमिश्नरी वाला, पहले तो उस पर आप जवाब दे दीजिए कि सिस्टम इतना देर से लागू हुआ, दो जगहों पर ही सही, लेकिन क्या आप चाहते हैं, फिर अगले सी पर बाद में चर्चा करें। ये तो बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ की जनता जो बड़े शहरों में रह रही है वो एक बेटर डिलीवरी सिस्टम चाहती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहती है, और ये पुलिस कमिश्नरी प्रणाली सभी मुख्य जगहों पर आप देखेंगे जितने भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनमें लागू है, बहुत दिनों से लागू है, और इसकी लगातार प्रयास और डिमांड भी चल रहा है, और हम लोग राज्य सरकार के ऋणी हैं जिन्होंने देर से ही सही लेकिन ये चीज़ें दी, और आप देखेंगे कि इसके बहुत अच्छे परिणाम नोएडा में भी आएंगे और लखनऊ में भी आएंगे, और इसको देखते हुए अन्य जगह भी लोग डिमांड करेंगे, जनप्रतिनिधि और अब जनता डिमांड करेगी, और ऐसे जितने भी शहरी क्षेत्र हैं जहां की जनसंख्या 10 लाख के ऊपर है, जैसा कि हमारे मुखिया ने खुद अनाउंस किया था जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो अगला कदम हो सकता है कि हमारे जो रिजल्ट डिलीवरी को देखते हुए ऐसे सभी जगहों पे आगे भी हम
एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुलिस कमिश्नर प्रणाली इसको किसी सर्विस के खींचतान से नहीं देखना चाहिए। अल्टीमेटली सभी सरकारी अधिकारियों का की जिम्मेदारी है कि पब्लिक को बेस्ट सिस्टम प्रोवाइड करे। तो इन सब चीज़ों से उठ के हम लोगों को डिलीवरी ओरिएंटेड सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और पुलिस कमिश्नरी एक डिलीवरी ओरिएंटेड सिस्टम है जिसके मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जहाँ जहाँ ये सिस्टम लगाई गई हैं वहाँ बड़े ही सक्षम अधिकारियों की पोस्टिंग की गई है और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, मैं समझ गया कि आप कह रहे हैं कि आईएएस लॉबी आईपीएस लॉबी का जिक्र जो होता है उन सबसे ऊपर उठकर दो जगहों से अच्छा परिणाम निकलेगा तो पूरे प्रदेश में लागू, इसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। अब मैं दूसरे सी पर आता हूं और यही मेरा आखिरी सवाल है। एक तरफ कमिश्नरी सिस्टम को आप कहते हैं कि बहुत बेहतर आना चाहिए, दूसरी तरफ जो दूसरा एक सी है वो है कॉन्ट्रोवर्सी का। आजकल एक कॉन्ट्रोवर्सी वाला चल रहा है मामला, आप समझ रहे होंगे, बस मैं नाम नहीं लूँगा, नोएडा तक ले जाऊँगा। वो विवाद पहुँच चुका है मुख्यमंत्री तक, उस पर आप क्या कहेंगे? ये कॉन्ट्रोवर्सी महकमे में और इतने बड़े और गंभीर आरोप। मैं चूँकि मैं कार्डर कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं हूँ, ये दुखद चीज़ें हैं, लेकिन इस पर करेक्टिव मेजर्स सक्षम स्तर पर लिया जा रहा है जी। और इतना मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितनी ईमानदारी और जितनी ट्रांसपेरेंसी से वर्तमान गवर्नमेंट काम खुद कर रही है और करने की आज़ादी दे रही है, उतना शायद चूँकि हमारा भी अब अनुभव लगभग 30 साल का है जी, इतनी आज़ादी मिलना और इतना अधिकारियों पर ट्रस्ट करना शायद मुश्किल होगा। कुछ चीज़ें शायद अनुशासन में रहकर की जाएं तो बेहतर है। हाँ, सभी लोगों को अनुशासन की परिधि में रह के अगर किसी को कोई बात है तो उसकी सुनवाई भी होती है जी। लेकिन हम लोगों को राज्य सरकार के जो और हमारे पर्सनल जो कंडक्ट रूल्स हैं उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और सरकार के द्वारा जो नीतियां दी गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करके और जो हमारी आम जनता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए, क्योंकि आप लोगों का वक्त आप लोगों के लिए नहीं हो पाता, आपके परिवार के लिए नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोगों की इस मेहनत से ही हम सभी को सुकून मिलता है, सुरक्षा मिलती है। बहुत शुक्रिया सर।